बचपन में ना बड़ा मोटा था मैं, तब से मेरे दोस्त मुझे हम्प्टी बुलाने लगे, तब से मेरा नाम पड़ गया हम्प्टी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया देख कर आया। इस मूवी को मैं 3.5 स्टार दूंगा, 3.5, जो कि मैंने प्रिडिक्शन भी करी थी अपने वीडियोज़ में कि सुपरहिट मूवी होगी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी बहुत स्ट्रांग है मूवी की, रिलीज डेट कंपेटिबल है, तो इनकी केमिस्ट्री अच्छी है दोनों लीड पेयर्स की, दोनों नंबर 6 हैं तो। और आई थिंक मूवी में देखकर आया, मूवी मुझे बिल्कुल सुपरहिट ही लगी, 3.5 स्टार लायक लगी। और ये फिल्म ट्रिब्यूट है DDLJ को, जो कि डेब्यूटिंग डायरेक्टर शशांक खतान ने दिया है करण जौहर के प्रोडक्शन के अंदर। और फिल्म की स्टोरी तो कुछ खास नहीं है, जैसी आप लोग जानते हैं हम सालों से देखते आ रहे हैं वही है। लड़का लड़की को प्यार होता है और जो एक पेरेंट होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है और उनकी शादी में अड़चन पैदा करता है, तो कैसे वो दिल जीतता है वही है। इसमें काव्या का रोल कर रही हैं आलिया भट्ट, वो अपनी उनको डिजाइनर लहंगा चाहिए शादी के लिए, उनकी NRI लड़के से शादी तय हो जाती है। एक उनकी बड़ी सिस्टर भी है जिसका डाइवोर्स हो गया है, तो वो दिल्ली जाती है लहंगा लेने के लिए। वहाँ पे उसको वरुण धवन मिलता है, फिर वरुण धवन उसकी फ्रेंड की शादी में हेल्प करता है, तो इन दोनों को प्यार हो जाता है, फिर वो वापस अम्बाला चले जाती है। तो फिर वरुण धवन अम्बाला जाता है उसके पेरेंट्स का दिल जीतने के लिए। तो यही स्टोरी है जैसे DDLJ की थी, और लेकिन ये मॉडर्न डे DDLJ है, नया ट्रिब्यूट दिया है कि आज के ज़माने में अगर राज सिमरन होंगे तो कैसे होंगे, उनको प्यार होगा तो क्या होगा, क्या स्टेप उठाएंगे, क्या बातें होंगी, क्या कॉमेडी करेंगे, क्या लाइन मारेंगे, तो वो सब आज का यूथ एंटरटेनमेंट मसाला और एक फैमिली ड्रामा है इन्होंने बनाया है, और जो कि बहुत ही अच्छा है। स्पेशली फर्स्ट हाफ तो फुल ऑफ कॉमेडी है, इतना हिलेरियस है, उसमें वरुण धवन और उसके दोस्तों की कॉमिक टाइमिंग सामने आती है जो कि बहुत ही बढ़िया है, और फर्स्ट हाफ आपको बहुत हंसाता है और बहुत एंटरटेन करता है। सेकेंड हाफ में आशुतोष राणा, सिद्धार्थ शुक्ला और दूसरे लोगों की एंट्री होती है। और ये फिल्म DDLJ को ट्रिब्यूट है, और कोई एक एक्टर जिसने सही मायने में सब ट्रिब्यूट दिया है क्लोज DDLJ को, तो वो आशुतोष राणा है, जिन्होंने अमरीश पुरी की परफॉर्मेंस को थोड़ा सा मैच करा है। तो आशुतोष राणा की बहुत ही सुर वाली और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आई है। फिल्म के गाने तो सब अच्छे हैं ही, समझावा और सैचरडे सैचरडे ऑलरेडी हिट्स हो चुके हैं, और डायरेक्शन बहुत ही अच्छा है शशांक खतान का। हर सीन में उन्होंने एक कॉमेडी, एक पंच, एक स्पार्क डाला हुआ है जो कि आपको याद रहता है शो खत्म होने के बाद भी, और इसलिए ये फिल्म आपको बहुत एंटरटेनिंग लगती है, बहुत अपनी डिलाइटेबल लगती है। तो पिक्चर का पेस भी अच्छा है, 2 घंटे 10 मिनट की फिल्म है, कोई ज़्यादा सीन खींचा नहीं हुआ है, सबका रोल बहुत बढ़िया है। वरुण धवन की ग्रोथ एज एन एक्टर देखते ही बनती है, जो फर्स्ट फिल्म थी उसकी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उससे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग उन्होंने मैं तेरा हीरो में करी, और उससे भी ज़्यादा ग्रोथ एज एन एक्टर उनको इस फिल्म में मिली। लेयर्ड परफॉर्मेंस थी, इमोशनल सीन्स थे, कॉमेडी सीन्स थे, रोमांटिक सीन्स थे, सभी में वरुण धवन अव्वल नंबर से पास हुए हैं, और वो आने वाले फ्यूचर के बहुत बड़े सुपरस्टार बनेंगे। उनकी न्यूमरोलॉजी भी बहुत अच्छी है, उनका नाम जो है 42 पे ऐड होता है, जिस पे शाहरुख खान का नाम भी ऐड होता है, सोनाक्षी सिन्हा का भी ऐड होता है, तो वो बहुत लक्की नंबर है बॉलीवुड के लिए। और आलिया भट्ट तो एक के बाद एक अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दे ही रही है, पहले हाईवे, फिर 2 स्टेट्स, और अब ये हम्प्टी शर्मा में भी वो बहुत मैच्योर हैं, लगी हैं, और इतनी कम उम्र में जो मैच्योरिटी वो स्क्रीन पर लाती हैं वो बिल्कुल ही एक मैजिकल मिरेकल टाइप लगता है, तो उनका भी नॉमिनेशन मिलना चाहिए, उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। फिल्म में जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो वरुण और आलिया की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, उन दोनों की सॉलिड परफॉर्मेंस के कारण ही वो कमियां छुपती हैं, और फिल्म बहुत ही सुपरहिट और देखने लायक और एंटरटेनिंग बनती है। तो आलिया भट्ट के बाद अपने आशुतोष राणा जी हैं, जिनका बहुत अच्छा कमबैक हुआ है, इतना सॉलिड और चैलेंजिंग रोल उन्होंने करा इतने टाइम बाद, देखकर बहुत अच्छा लगा, और वो उस पिक्चर की हाईलाइट हैं। स्पेशली उनके और वरुण के जो सीन्स हैं आपस में वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छे हैं, खासकर जो प्री क्लाइमेक्स में जो स्टेशन पे सीन होता है जिसमें वरुण धवन चिल्ला कर बात करता है उनसे, वो बहुत ही अच्छा आपको टच करता है वो सीन। तो बहुत स्ट्रिक्ट फादर थे वो आशुतोष राणा, येट वेरी लविंग फादर भी थे, तो वो जो बैलेंस उन्होंने रोल में दिखाया बहुत अच्छा उन्होंने रोल कराया, वो पिक्चर की जान है। बाकी सब परफॉर्मेंस अच्छी है। सिद्धार्थ शुक्ला जो है TV से आए हैं, उन्होंने भी कंफर्टेबल स्विच करा है अपने रोल में, कॉन्फिडेंट लगे हैं, अच्छा डेब्यू करा है उन्होंने। सबसे अच्छी एक और कॉमेडी परफॉर्मेंस मुझे उसके दोस्त की लगी, पोपलू की, जिनके सारे वन लाइनर्स बहुत ही हिट होंगे ऑडियंस के साथ, मासेस के साथ, और वो लोगों को दिलों को छुएंगे, और बहुत फनी उन्होंने एक्टिंग करी है। तो पिक्चर को मैं 3.5 स्टार देता हूँ, पिक्चर सुपर डुपर हिट होगी, जैसा मैंने प्रिडिक्शंस करी थी वैसा होगा, फिल्म भी उतनी अच्छी है। और पिक्चर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात करें तो वीकेंड अच्छा गया फिल्म का, 33.5 करोड़ कलेक्शंस हुए, तो विच इज़ वेरी गुड, एंड आई होप कि फिल्म 70 करोड़ का तो मिनिमम बिजनेस करेगी लाइफ टाइम। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।